नमस्कार, एस्ट्रो योगी की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जाने आज बिजनेस में होगा फायदा या नुकसान, हेल्थ के लिहाज से आज कैसा रहेगा दिन, नौकरी और करियर में कैसा बीतेगा दिन, रोमांस के मामले में कैसे हैं आपके सितारे। इस तरह के हर सवाल के जवाब पाने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। अब जानते हैं 7 मार्च 2024 आज का पंचांग। विक्रम संवत 2080 हिंदू पंचांग के अनुसार मास फागुन है, पक्ष कृष्ण पक्ष है और ऋतु वसंत ऋतु है। आज द्वादशी तिथि रात 1:19 तक रहेगी, इसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। नक्षत्र आज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र दोपहर 1:03 तक रहेगा, इसके बाद श्रवण नक्षत्र लग जाएगा। आज बनने वाला योग वर्यान योग सुबह 8:24 तक रहेगा, इसके बाद पारिक योग लग जाएगा जो सुबह 4:45 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि में गोचर करेंगे, इस समय सूर्य कुंभ राशि में गोचर करेंगे। आज सूर्योदय सुबह 6:40 तक होगा, आज चंद्रोदय सुबह 5:17 पर होगा। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:09 से 12:56 तक रहेगा। आज राहु काल दोपहर 2 बजे से शुरू होकर 3:29 तक रहेगा। आज वैष्णव विजया एकादशी है। अब जानते हैं 7 मार्च का राशिफल। पहली राशि मेष राशि। मेष राशि के जातक, मकर राशि में चंद्रमा के साथ आप आज बहुत अच्छा भाग्यशाली दिन मान सकते हैं। आज आपकी किस्मत आपके साहस और दृढ़ संकल्प के बजाय आपको दिन के माध्यम से प्राप्त करने में मदद करेगा। यह आपका भाग्यशाली दिन है जब सब कुछ आपके रास्ते पर आ जाएगा, लेकिन आपको पता चल सकता है कि यह आपके प्रयासों के कारण नहीं है। एस्ट्रो योगी ज्योतिषी आपको सलाह देते हैं कि आप भाग्य और सौभाग्य की इस लहर की सवारी करें, क्योंकि ये आपको ले जाएगा। शादी या प्रेम के बारे में आज आप हैरत में पड़ सकते हैं। आप पाएंगे कि आपका कोई नजदीकी दोस्त आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। शुरुआती हैरत के बाद आप भी उससे आकर्षित होंगे। ये रिश्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, इसे गंभीरता से लें। आज शायद काम के सिलसिले में आपको यात्रा करनी पड़ सकती है, इससे आपको बहुत खुशी मिलेगी और साथ ही ये आपकी प्रतिष्ठा व पहचान को बनाने में सहायक सिद्ध होगी। ये आपके लिए बेहतर अवसर हो सकता है, इसे हाथ से ना जाने दें। संभावना है कि किसी विदेशी से आपकी साझेदारी हो या आप कहीं विदेशी संस्था में निवेश करें। हालांकि ये फायदेमंद दिख रहा होगा, पर समझदारी इसी में है कि अभी थोड़ा इंतजार कर लें। ये काम अभी शुरू हुआ तो शायद ये उतना फायदेमंद ना साबित हो, सो इस काम को कुछ दिन के लिए टाल दें। आपको लगेगा कि आपने समझदारी का काम किया है। आज आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। हो सकता है आपको सर्दी गर्मी या फिर श्वास संबंधी समस्या हो जाए। मदिरा पान और शीतल पेय से दूर रहें और ध्यान रखें धूम्रपान से भी दूर रहें। हो सके तो धूल और धुएं से दूर रहें। आज आपका लकी समय 4:00 से 6:00 का रहेगा। हरा रंग आपका लकी कलर रहेगा। धन्यवाद। अब जानते हैं वृषभ राशि का आज का राशिफल। तो प्रिय वृषभ राशि के जातक, मकर राशि में चंद्रमा का गोचर आपको कुछ मामलों में रुकावट लेकर आ सकता है। तरोताजा महसूस करने के लिए आपको मनोरंजन के लिए कुछ करना चाहिए। आप किसी प्रियजन के साथ किसी भी व्यक्तिगत समस्या को संभाल सकते हैं। लव लाइफ के मामले में आज आपके प्यार के इजहार का दिन है। आज आप अपने मन की बात खुलकर कहने को तैयार हैं। आपका पार्टनर भी शुरुआती शर्म के बाद वैसी ही प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा और आप दोनों सकारात्मक भावनाओं में बहते रहेंगे। इस मौके का आनंद लें। करियर के मामले में आज विदेश से आपको खुशखबरी मिल सकती है, खास तौर से यदि आप विद्यार्थी हैं और अपने विदेश में आपने कहीं दाखिले के लिए छात्रवृत्ति के लिए आवेदन दिया है। खुशखबरी विदेश में आपकी नौकरी से संबंधित भी हो सकती है। आज आपको नकदी की कमी से जूझना पड़ सकता है। आपने जिस पैसे की आवक के विषय में सोचा था उसे आने में देर हो सकती है, जिसके चलते आपके कुछ भुगतान रुक सकते हैं। इसे आज ही पूरा करने के लिए प्रयत्नशील रहें, क्योंकि ये रुकावटें शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगी। हो सकता है कि आपको किसी स्थान पर क्षमा याचना भी करनी पड़े। हेल्थ के मामले में अगर आप छाती के दर्द या फिर गले की समस्या से परेशान हैं तो लापरवाही ना करें। स्थिति गंभीर नहीं है तो ध्यान रहे, आप खुद को आराम दें और खान पान पर विशेष ध्यान दें। अगर स्थिति ज्यादा गंभीर है तो डॉक्टर से जरूर सलाह ले लें। एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों के अनुसार दोपहर 12:30 से 2 बजे का समय आपके लिए शुभ रहेगा। नीला आपका शुभ रंग रहेगा। धन्यवाद।
अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो प्रिय मिथुन राशि के जातक, मकर राशि में चंद्रमा का गोचर आपको मित्र का साथ दिलाएगा। दोस्त हर समय आते हैं, ये खास मुश्किल समय में आपके साथ जो दोस्त आपका खड़ा रहेगा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करें जो आपको असमर्थ महसूस करा सकता है, आपकी दोस्ती अच्छी होगी। आज आपको लगेगा कि आपके प्रेम जीवन में आपका कोई नहीं है, फिर भी आज का दिन आपके लिए परिवर्तन ला सकता है। अपने दोस्तों के बीच या कार्यस्थल या किसी समारोह में आपकी भेंट आज ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जिसके बारे में आपने सोचा भी ना हो। करियर के मामले में आज आपको आपकी कंपनी की ओर कार्य के लिए सुदूर क्षेत्र में भेजा जा सकता है। आप शायद इस यात्रा को लेकर चिंतित हों, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, आप एक सितारे की तरह चमकेंगे। अब तक आपके जो काम रुके पड़े थे वे भी पूरे हो जाएंगे। आज संभव है कि आप ये महसूस करें कि काफी वित्तीय बहिर्गमन हो रहा है, क्योंकि काफी समय से विदेशी मेहमान आपके साथ हो सकते हैं। हो सकता है कि खर्च आपको अभी भारी लगे, लेकिन आगे चलकर यह आपके लिए फायदे का सौदा साबित होने वाला है। बस ये ध्यान रखें कि आपका चयन शानदार हो और आपके पैसे का इस दौरान सही इस्तेमाल हो सके। आज आप हेल्थ के मामले में डॉक्टर या आहार विशेषज्ञ से सेहत या वजन से संबंधित सलाह लेंगे। ध्यान रहे जो भी तरीका आप अपनाएं सही तरह से अपनाएं, क्योंकि आप ये लंबे समय के लिए ले रहे हैं। याद रहे स्वस्थ ही आपका सब कुछ होता है, हेल्थ इज वेल्थ। योग भी शुरू करें, इससे आपकी सेहत में सुधार आएगा। एस्ट्रो योगी ज्योतिषी के अनुसार सुबह 10 से 11:30 का समय आपके लिए शुभ रहेगा। नारंगी रंग लकी होगा। धन्यवाद। अब देखते हैं कि कर्क राशि के लिए आज क्या है खास। प्रिय कर्क राशि के जातक, मकर राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आराम करने का सुझाव आपको दिया जाता है। आपको अपने दोस्तों के साथ आनंद लेना चाहिए, टेंशन को दूर रखना चाहिए, आपको खुद को रिफ्रेश रखना होगा। अपने दोस्तों को किसी पार्टी में आमंत्रित करें और उनके साथ अपने बीते दिनों को फिर से जगाएं। आप तरोताजा महसूस करेंगे। आप कहीं बिजी हो सकते हैं, मानसिक तनाव के कारण आपका ध्यान कम होगा। आज जो अकेले हैं उन्हें किन्हीं व्यक्तियों से संपर्क करने में आसानी होगी। वे सारे जो आपके आसपास हैं लोग आपसे आकर्षित होंगे। लव लाइफ में दिन अच्छा रहेगा। आपकी संस्था व्यवसाय के लिए आपको विदेश भेजने की तैयारी कर रही है, इसका पूरा फायदा उठाएं, क्योंकि इसके लिए आपने बहुत मेहनत की है। आज के दिन कोई भी कदम बिना सोचे समझे ना उठाएं, विचार विमर्श के बाद ही कोई भी कदम आप उठाएं। यदि आपका विदेशी ग्राहकों से लेना देना है तो आज आपको आर्थिक फायदा होगा, नए ग्राहक भी बनेंगे और बड़ा ऑर्डर भी देंगे, इसलिए इस मौके का फायदा उठाएं। आपको लगेगा कि आपने इसके लिए बड़े परिश्रम भी किए हैं। बहरहाल आर्थिक रूप से दिन काफी लाभकारी है। आज आपको हेल्थ के मामले में कफ और कोल्ड से बच के रहना चाहिए। आज आपको ज्यादा सर्दी और ज्यादा गर्मी से दूर रहना होगा और कोशिश करें कि ट्रैफिक संबंधित प्रदूषण से दूर रहें। हो सके तो अपने मुंह पर कपड़ा या मास्क लगाकर ही बाहर निकलें। दोपहर 3:45 से शाम 5 तक का समय आपके लिए शुभ रहेगा। सफेद रंग पहनना आपके मन को आज शांति देगा और स्पष्टता प्रदान करेगा। धन्यवाद। अब देखते हैं क्या कहता है सिंह राशि के लिए आज का राशिफल। तो प्रिय सिंह राशि के जातक, चंद्रमा अपना रास्ता मकर में बनाते हुए आज आपको संभल कर चलने और जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लेने का सुझाव देता है। सचेत रहना चाहिए, यह आपके लिए अधिक दबाव की स्थिति हो सकती है और ये संभव है कि आप जल्दबाजी में कुछ ऐसा कर दें जो आगे आने वाले लंबे समय में आपके लिए अच्छा ना साबित हो। एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों के अनुसार आगे बढ़ने से पहले अच्छी और बुरी दोनों चीजों का भार आप नाप लें। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ ऑनलाइन संपर्क में रहे हैं तो पूरी संभावना है कि वो आज पहली बार आपसे मिलने आ सकता है। मुलाकात सफल रहेगी। हद के पार जाने से पहले ये अच्छी तरह पता कर लें कि वो व्यक्ति आपके प्रति कितना ईमानदार है। करियर के मामले में अगर आप विदेश जाने के लिए वर्क परमिट या वीजा का इंतजार कर रहे हैं तो आज आपको मिल सकती है खुशखबरी। इसके लिए आपने बहुत इंतजार किया है, इसलिए खुशखबरी आपके लिए बहुत मायने रखती है। इस अवसर का पूरा फायदा उठाएं और एंजॉय करें। आपको काम के सिलसिले में विदेश भी जाना पड़ सकता है।
हालांकि अब आप जैसा उम्मीद करेंगे यात्रा उतनी फायदेमंद साबित नहीं होगी। आपको लगेगा कि पूरी योजना में कोई खामी रह गई, इसलिए कोई बड़ी उम्मीद ना रखें। आज हेल्थ के मामले में आपको सामान्य चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। हो सकता है आप ठीक महसूस करें, मगर आज आपको अपने शरीर के ऊपर ध्यान जरूर देना चाहिए। जो भी फैसला आप आज लेंगे, हो सकता है वो आपको आगे भविष्य में आने वाली परेशानी से बचा ले। आज के दिन आपका लकी कलर बैंगनी रहेगा। मन चाहे परिणामों के लिए सुबह 11 से दोपहर 12 बजे के बीच आप अपनी महत्वपूर्ण क्रियाओं को शुरू करें। धन्यवाद। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो प्रिय कन्या राशि के जातक, आज अपना आपा ना खोएं किसी भी चीज पे, और इसका परिणाम ये होगा कि किसी भी करीबी दोस्त या साथी के साथ आपका मनमुटाव नहीं होगा। आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होगा और जैसी स्थिति है उसे स्वीकार करना होगा। उससे बाहर निकलने का यही सही तरीका है। आज आपकी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की संभावना है जिसके साथ आप पूरी जिंदगी बिना किसी प्रॉब्लम के बिता सकते हैं। आप कुछ आगे बढ़ेंगे पर अंततः आपको लगेगा कि आप उसकी तरफ खींचे जा रहे हैं। संभल कर चलें। वैसे आपका ध्यान उसके आंतरिक गुणों पर टिका हुआ है। आज आपको व्यवसायिक सफलता मिल सकती है। विदेशी संबंधों से लाभ संभावित है। अगर आपने काम से संबंधित विदेश में अपना किन्हीं लोगों के साथ नेटवर्क बनाया हुआ है तो आज आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। आपको लगेगा कि आपके घरेलू संपर्क इन दिनों आपके काम नहीं आ रहे हैं, दिन भी आपके पक्ष में नहीं चल रहे हैं, इसलिए घरेलू बाजार की बजाय विदेशी बाजार पर ध्यान केंद्रित कीजिए। विदेश से आर्थिक लाभ के अच्छे संकेत हैं। इस समय अपने विदेशी ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित करें। हेल्थ के मामले में आज आप पाएंगे कि छोटी मोटी बीमारी लेकर आप डॉक्टर के पास जाएंगे। ये आपने सोचा क्योंकि आप नहीं चाहते कि कोई भी बीमारी या समस्या का इलाज ना हो सके। जो भी हिदायतें या सलाह आपको पढ़े लिखे डॉक्टर से मिले उस पर ध्यान जरूर दें। आज के दिन आपका शुभ समय 4:30 से 5:30 बजे के बीच का रहेगा। शाम का समय आपके लिए लकी कलर हरा रहेगा। धन्यवाद। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो प्रिय तुला राशि के जातक, आप उन चीजों के बारे में अत्यधिक चिंता कर सकते हैं जो आपकी इच्छा के तरीके से नहीं चलती हैं। अपने जीवन के नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। भले ही आपके आसपास के लोग आपको भावनात्मक रूप से दुखी करने की कोशिश कर रहे हैं। लव लाइफ के मामले में आज आपके प्रेम जीवन पर आपके माता पिता के विचारों का प्रभाव हावी रहेगा। आप आश्चर्यजनक रूप से अपने पुराने पार्टनर से मिलेंगे। आपको लगेगा कि आप कल ही साथ साथ थे। पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। इस व्यक्ति के साथ ज्यादा जुड़ने की कोशिश बेकार है क्योंकि इससे फिर अलगाव हो सकता है। करियर के मामले में अगर आप फार्मेसी या किसी चिकित्सा संबंधी क्षेत्र से जुड़े हैं तो शायद आपको विदेश जाने का कोई अवसर मिल सकता है। आपको इस अवसर के बारे में सोचना चाहिए, खास तौर से तब जबकि आपने पहले कभी इस अवसर को ठुकरा दिया हो। यह अवसर काफी रोचक है और भविष्य में आपको लाभ देगा। अगर आज आप अपने आराम को एक तरफ रखकर सोचें तो आपके करियर में वृद्धि होगी। इन दिनों काम के सिलसिले में आपको काफी यात्रा करनी पड़ रही है। आज सोचें कि ये यात्रा जरूरी है या नहीं, तो आप उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट्स पाएंगे। हेल्थ के मामले में आज आप डॉक्टर के पास सलाह लेने जाएंगे। हो सकता है आपके अंदर ही अंदर कोई ऐसी बीमारी हो गई हो जो अच्छे डॉक्टर द्वारा ही पकड़ी जा सके। एस्ट्रो योगी के ज्योतिषी का संकेत है कि यदि आप अपने जीवन में सकारात्मक दिव्य प्रभावों को आकर्षित करना चाहते हैं तो सफेद आज आपके लिए लकी रहेगा। यदि आप ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपके सारे कार्य अच्छे तरीके से तो हों, तो उसे आप 6 से 7 बजे के बीच शाम को कर सकते हैं। धन्यवाद। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो प्रिय वृश्चिक राशि के जातक, चंद्रमा के मकर राशि में होने की वजह से आज आपका स्वभाव हसमुख रहेगा। आज सावधान रहें क्योंकि कुछ कीमती सामान खो सकता है। ये नुकसान आपकी खुद की लापरवाही की वजह से हो सकता है। एस्ट्रो योगी ज्योतिषी सलाह देते हैं कि जब किसी कीमती सामान या चीज की बात आती है तो दिमाग से काम लें और लापरवाही ना बरतें।
लव लाइफ की बात की जाए तो आज आप अपने आप को अपने ऑफिस के अकेले सहकर्मियों की ओर आकर्षित पाएंगे। ज्यादा शर्मीले ना बने और ना ही सीमा लांघें। धीरे धीरे आगे बढ़ें और पहल करें। करियर के मामले में अगर आपका खुद का व्यवसाय है तो हो सकता है कि आज आपको विदेश से कोई अवसर मिल जाए। ये अवसर आपके उत्पाद या सेवा को एक नई दिशा में ले जाएगा। नए निवेश का विचार लेकर आने वालों से आज सावधान रहें। जरूरी नहीं है कि हर एक आदमी जो आपके पास लेकर आ रहा है कुछ स्कीम वो अच्छी ही हो। किसी नई साझेदारी या अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी से आज परहेज करें। विनम्रता से ऐसे प्रस्ताव को आगे के लिए टाल दें। हेल्थ के मामले में आज आपको सावधान रहना होगा। आपको डॉक्टरी सलाह लेनी होगी अगर कोई भी आपको दिक्कत आ रही है हेल्थ में। सलाह मिलेगी तो आपकी परेशानी जरूर दूर होगी। गुलाबी रंग आज आपका लकी कलर रहेगा। शाम 4:30 से 5:30 का समय शुभ रहेगा। धन्यवाद। अगली राशि है धनु राशि। बहुत बहुत स्वागत है धनु राशि के जातक। आपको अपने निर्णय लेने में थोड़ा समय लग सकता है। आज लाइफ में थोड़ा टेंशन हो सकता है। आज का दिन आपके लिए अच्छा होगा। आप मानसिक रूप से तनाव मुक्त और सहज महसूस करेंगे। आप चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होंगे। आप अपनी प्राथमिकताओं के बारे में भी स्पष्ट होंगे। नए निर्णय लेने के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। लव लाइफ के मामले में आज आप किसी नए रिश्ते में अत्यधिक व्यस्त रहेंगे। आपको हैरत होगी कि आपके पार्टनर ने किस तरह अपना प्यार आपके सामने इजहार कर दिया है। इस प्रस्ताव को गंभीरता से आप सोच सकते हैं। करियर के मामले में अगर आप विद्यार्थी हैं तो आज विदेश से कोई खुशखबरी मिल सकती है। खासतौर से इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को अवसर मिलने के संकेत हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको विदेश से नौकरी का मौका भी मिल सकता है। इस अवसर के बारे में गंभीरता से सोचें। ये बहुत ही बढ़िया अवसर साबित हो सकता है। विदेश में रह रहे अपने ग्राहकों से मधुर संबंध बनाने में हालांकि थोड़े पैसे भी खर्च होंगे लेकिन ये फायदेमंद साबित होगा। नतीजा जल्द ही सामने होगा। हेल्थ के मामले में आज आपको डॉक्टर के पास जांच के लिए जाना चाहिए। हो सकता है आप ठीक हो मगर फिर भी आज आपको जांच करानी होगी। क्यों ना आज ही दांत के डॉक्टर से अपने रेगुलर जो डेंटल चेकअप है वही आप करवा लें। 5:30 से 6:30 का समय आपके लिए शुभ रहेगा। ग्रे छोड़कर कोई भी कलर आप पहन सकते हैं, आपके लिए लकी रहेगा। थैंक यू। अब बारी आती है मकर राशि की। तो प्रिय मकर राशि के जातक, आपको आज अपने प्रियजनों के साथ अच्छा समय बिताना चाहिए। अगर संबंध तनावग्रस्त नजर आ रहे हैं तो बहुत जल्दी ये दूर भी होने लग सकता है। ये सुधार दोनों पक्षों की कड़ी मेहनत, संयम और शांति का फल है। इस अवसर को हाथ से ना जाने दें। इसके अलावा सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए परिपक्वता आवश्यक है। अच्छा काम करते रहें और अपने प्रियजनों को ये बताना ना भूलें कि आप उनकी कितनी सराहना करते हैं। आज रोमांस के मामले में आपका अवसरों से भरा दिन है। आपके आसपास का कोई व्यक्ति जिसे आप नहीं जानते पर वो आपसे आकर्षित है, आपकी उससे मुलाकात होगी। करियर के मामले में आज आपको विदेश से कोई खुशखबरी मिल सकती है। आपको काम के सिलसिले में विदेश जाने का अवसर भी मिल सकता है। ये यात्रा छोटी ही हो सकती है लेकिन आपके जीवन में इसका फायदा बहुत बड़ा होगा। आप इसकी तैयारी में लग जाएं और अपने बिजनेस कार्ड को साथ ले जाना ना भूलें। आपके प्रयास आने वाले समय में आपको वित्तीय लाभ देंगे। यदि आप अपना व्यापार बढ़ाना चाह रहे हैं तो आज का दिन शुभकारी है। प्रचार बिजनेस बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका है। इसके जरिए लोगों तक आपके व्यापार की जानकारी पहुंचेगी। अपना प्रचार प्रसार करने का ये बढ़िया दिन है, मौका ना गंवाएं। हेल्थ के मामले में आज आप अपने परिवार के साथ जांच के लिए डॉक्टर के पास जाएं। इस समय अगर आपको कोई भी बीमारी है तो आप आज ही इलाज कराएं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि आपने बिल्कुल सही समय पर चेकअप करवाया है। आज के दिन आपका लकी कलर नारंगी रहेगा। शुभ समय 4:45 से 6:15 तक का रहेगा। धन्यवाद। बात करते हैं कुंभ राशि की। तो प्रिय कुंभ राशि के जातक, आज मकर राशि में चंद्रमा की उपस्थिति है जिसकी वजह से आज आप कोई भी काम में जल्दी से हार मान सकते हैं। अगर चीजें आपके तरीके से नहीं होती हैं तो आप हार मानने लगे। आज आपके रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आ सकती हैं जिसकी वजह से आप खुद को आत्मविश्वासी महसूस नहीं कर पाएंगे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषी के अनुसार आज आपके लिए आशावाद और दृढ़ता बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपको जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना बहुत जरूरी है।
इसकी वजह से आपको वांछित परिणाम प्राप्त होंगे। इसी के साथ आप खुद को शांत महसूस कर पाएंगे। लव लाइफ में आपके प्यार के रास्ते में आ रही अड़चनें आज दूर होंगी और इच्छित दिशा में आपकी बात आगे बढ़ेगी। पार्टनर के साथ आपके प्यार का रिश्ता और ज्यादा गहरा होगा। आपके परिवार वाले आपकी राय से सहमत हो जाएंगे। करियर के मामले में आजकल आपके दिमाग में विदेश में पढ़ाई करने या वहां जाकर करियर बनाने का विचार चल रहा है। इस बात के बारे में आपको गंभीरता से सोचना चाहिए। विदेश में सभी अवसरों को ध्यान में रखकर चुनना चाहिए और अवसरों का लाभ लेना चाहिए। अपने लाभ को बढ़ाने के लिए आपको अपने बिजनेस का प्रचार प्रसार करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। समझदारी से अपने बाजार का चुनाव करें, ठीक से प्रचार प्रसार करें। आप पाएंगे कि व्यापार दिन दुनी रात चौगुनी गति से बढ़ रहा है। इस काम पर खर्च किए गए पैसे आपके वसूल जरूर हो जाएंगे। हेल्थ के मामले में पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी। आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा हेल्थ के मामले में, लेकिन ध्यान रहे लापरवाही ना बरतें, सेहत का ख्याल रखें। महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए सुबह 8:30 से 11:15 का समय शुभ रहेगा। काला रंग आपका शुभ रंग रहेगा। धन्यवाद। और अब बात कर लेते हैं मीन राशि के जातकों की। तो प्रिय मीन राशि के जातक, आपकी क्षमता को अच्छी तरह से प्रदर्शित करने का अच्छा दिन है। आज आप अच्छे मूड में होंगे। आप अब योजनाओं को आराम से छोड़ने के मूड में नहीं हैं और विचारों को कार्यों में बदलना चाहते हैं। एस्ट्रोयोगी ज्योतिषियों का सुझाव है कि आप केवल अपनी समस्याओं और योजनाओं के फलदायी समाधान की तलाश कर रहे हैं और अधिक से अधिक प्रोडक्टिविटी में लगाना चाहते हैं। इस ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग करें और इसे अपने सभी जरूरी कार्यों को पूरा करने में लगाएं। लव लाइफ के मामले में आज आप अपने पक्के व पुराने दोस्त से किसी ऐसी जगह मिल सकते हैं जिसके बारे में आपने सोचा ना हो। उसके साथ रिश्ते को लेकर आप सोचते रहे हैं। आज रिश्ते को आगे बढ़ाने का अच्छा मौका है। जो लोग पहले से किसी रिश्ते से जुड़े हैं वे आज अपने पार्टनर के लिए समय निकाल पाएंगे। करियर के मामले में आज आप किसी जानकार द्वारा दिए गए व्यवसायिक प्रस्ताव के बारे में सोचेंगे। आप इस बात से कुछ परेशान रहेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, आप इससे जुड़े या नहीं। आज समय निकालकर अपने अवसरों के बारे में सोच लें। वैसे ये व्यवसाय आपके लिए अच्छा रहेगा। आज आपको कुछ अल्पावधि में होने वाली आय का लाभ मिल सकता है। ये शेयर बाजार से भी हो सकता है। अगर आप ट्रेडिंग में हैं तो आपको लगेगा कि होशियारी से की गई कुछ खरीदारी आज आपको बड़ा लाभ दे गई है। आपके लिए आज हेल्थ के मामले में दिन काफी व्यस्त दिखाई दे रहा है। पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी। शुरुआत में ज्यादा सतर्क रहना चाहिए आपको। ध्यान रहे जरा सी भी लापरवाही दोबारा बीमारी को जन्म दे सकती है। सुबह 10 से 11 का समय आपके लिए शुभ रहेगा। आप इम्पोर्टेंट कार्य इस टाइम पे कर सकते हैं। आपके लिए मैजेंटा कलर आज शुभ रंग रहेगा। धन्यवाद। ये राशिफल चंद्रमा ग्रह और नक्षत्र की गणना पर आधारित है। और अब एस्ट्रोयोगी के सभी दर्शकों के लिए खास ऑफर। आप सभी एस्ट्रोयोगी पर अपना पहला एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन ले सकते हैं बिल्कुल मुफ्त और वो भी पूरी प्राइवेसी के साथ। आज ही डाउनलोड करें एस्ट्रोयोगी ऐप। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आप एस्ट्रोयोगी के लाइव सेशन पर भी ले सकते हैं फ्री कंसल्टेशन। तो अभी डाउनलोड करें एस्ट्रोयोगी ऐप या लॉगिन करें astroyogi.com पर। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।